Good morning, students. Today we are going to revise our chapter 8, that is bird. So in chapter में अपन birds के beaks, इनके claws के बारे में study करेंगे. Now first we have is beaks. ठीक है? जो birds होते हैं, मतलब उनके beautiful feathers होते हैं, उनकी सभी की जो habitat होते हैं earth पे रहने के लिए वो different होते हैं. Eyes, beaks वगैरह, उनके wings वगैरह सबके different होते हैं. So first of all we are going to discuss about beaks. ठीक है, इन बर्ड्स के जो बीक होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो आवर फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होती है, उनकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है एंड हुक्ड होती है, लाइक एज यू कैन सी हियर. ओके, नाउ इस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से बर्ड हो गए? ईगल्स, वल्चर्स, काइट, आउल्स, हॉक्स आर प्रे बर्ड्स. ठीक है, ये प्रे बर्ड्स हो गए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इस साइड से आप देख पा रहे हो, हार्ड होती है एंड हॉर्नी होती है. ठीक है, हॉर्नी बीक्स होती है. सो इस टाइप के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? स्पैरो, पिजियन, फिचेस. ठीक है, तो इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है एंड हॉर्नी बीक होती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कर्व्ड बीक होती है. कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी बीक जो है वो इस टाइप से आगे से कर्व होती है, लाइक पैरट. नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शार्प बीक्स. स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शार्प बीक किसकी होती है? सो दिस इज बीक ऑफ हॉप, बीक ऑफ वुड पिकर. इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? चिजल शार्प बीक होती है. ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे वुड पिकर है, जैसे हुप है, ये क्या करते हैं, हुप क्या करते हैं, वुड को डिग आउट करता है और अपना हाउस उसमें, जो प्लांट है उसमें बनाता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट होती है बीक और ब्रॉड होती है. ओके, एंड स्वैलो हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, लाइक स्वैलो, इसका ये एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, इसका जो माउथ है बहुत ज्यादा स्टिकी होता है अंदर से. ओके, नाउ इसकी जो बीक ओपन होती है, देखिए, स्टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट एंड फ्लाइज, और ये क्या करते हैं, जो टिनी इंसेक्ट होते हैं उनको कैच कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. सो लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, बर्ड्स लाइक किंगफिशर, स्टॉर्क, इनकी जो बीक होती है कैसी होती है? ब्रॉड एंड लॉन्ग शेप होती है, लाइक एज यू कैन सी हियर, दिस इज बर्ड ऑफ सन बर्ड, बीक ऑफ सन बर्ड एंड बीक ऑफ किंगफिशर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स, गीस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. कौन कौन से बर्ड्स हो गए? डक, क्रेन्स, गीस, इनकी जो बीक है वो कैसे बीक होती है? इसमें ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती है. ठीक है, और इनकी बीक में टीनी हॉल होता है. ये हॉल क्या करते हैं, जो भी वाटर होता है उसको बाहर रिमूव कर देता है, और जो इंसेक्ट, जो वॉर्म इन्होंने वाटर से लिया है उसको ये फिर एज ए फूड कंज्यूम कर लेते हैं. ओके, और ये जो हॉल होता है ये स्टर्नर का वर्क करता है इनमें. ठीक है, लाइक एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इनका ये जो हॉल होता है ये क्या करते हैं, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो ये फिर आराम से इसको खा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फीट एंड क्लॉज. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पर्चिंग बर्ड्स होते हैं. ठीक है, पर्चिंग बर्ड्स के इस टाइप के फीट होते हैं. ठीक है, लाइक स्पैरो, म्यांस, क्रॉ सिट ऑन ट्री एंड वाइज बाय ग्रिपिंग द ब्रांच और वायर. ठीक है, इट मीन्स इनकी जो जो इनके फीट होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, वो इनकी कैसे हेल्प करते हैं, उस प्लांट को अच्छे से होल्ड करके रखने में हेल्प करते हैं. इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में है क्लाइंबिंग बर्ड्स. जो क्लाइंबिंग बर्ड्स होते हैं लाइक वुड पिकर, तो उनके जो क्लॉज होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें टू टॉय होता है एंड दैट पॉइंट अपवर्ड्स, जो ऊपर की तरफ पॉइंट रहता है, एंड टू टॉयज दैट पॉइंट डाउनवर्ड्स, और टू इसमें टॉयज होते हैं जो इसको नीचे की तरफ में पॉइंट करके रखते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. ओके, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हुए? क्लॉज ऑफ ईगल्स, क्लॉज ऑफ वल्चर. ठीक है, तो ये अपने क्लॉज से क्या करते हैं, अपने शिकार को अच्छे से पकड़ लेते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? ईगल, वल्चर, हॉक
हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. स्क्रैचिंग बर्ड्स. ठीक है. बर्ड्स लाइक हैंड्स, रूस्टर्स, इनकी जो क्लॉज होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, इनमें ग्रीन में टॉयज होता है फ्रंट में एंड वन टॉय होता है इसमें बैक में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज वेडिंग बर्ड. नेक्स्ट अपने पास में क्या है? वेडिंग बर्ड्स. बर्ड्स लाइक हेरॉन एंड क्रेन हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टॉयज. ठीक है. इनका जो टॉयज होता है स्प्रेड आउट होता है, उनमें वेडिंग बर्ड्स होते हैं जिससे ये वाटर में आराम से चल सकते हैं, इनकी जो बॉडी वो श्रिंक नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज स्विमिंग बर्ड्स. तो जो स्विमिंग बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनकी जो स्किन है, इनके क्लॉज की स्किन जो है वो वेब बनाती है. ठीक है. जिससे ये इनके जो लेग्स है वो श्रिंक नहीं होती. नेक्स्ट वी हैव इज फियर्स. फियर्स कौन कौन से हो गए? फ्लाइट फियर्स हो गए जो फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. बॉडी फियर्स होते हैं जो बॉडी को कवर करते हैं. इसी टाइप से डाउन फियर्स जो है वो बॉडी के क्लोज होते हैं. ठीक है. और ये क्या करते हैं, शॉर्ट एंड सॉफ्ट फियर्स होते हैं और इनकी हेल्प से इनकी जो बॉडी है वो क्या रहती है, वार्म रहती है. वेडू बर्ड्स लीव बर्ड्स रहते कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे टैलो बर्ड्स हैं. जो टैलो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बना के और नेस्ट में रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज वीवर बर्ड्स. तो वीवर बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, ये ग्रास ट्री एंड लीव से अपना नेस्ट बनाता है. ठीक है. एंड जो ट्री की जो ब्रांच होती है उसमें ये अपना नेस्ट बनाता है. नेक्स्ट वी हैव इज द वुड पिकर. वुड पिकर है वो कहाँ पे रहता है, जो ट्रंक होता है ट्रीज के उनमें हॉल बनाता है, हॉल बना के उनमें ये अपना नेस्ट बना के उसमें ये रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स डू नॉट हैव, जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, टीथ. ओके. Which birds have curved beaks? कौन से birds होते हैं जिनमें curved beaks होते हैं? So it's parrot. And which bird have talons? कौन से birds में talon होते हैं? Eagle. The tallow bird uses its beak like a needle. जो tallow bird है वो अपने beak को कैसे use करता है, जैसे एक needle हो. To make nest, weaver bird uses grass. क्या करते हैं, grass का use करके अपना nest बनाते हैं. Okay. Now next we have is fill in the blanks. तो ये तो आप कर ही लोगे learn. And now next we are going to discuss about answer the following questions. So our first question is describe the body structure of a bird. ठीक है. तो जो bird होता है उसकी body की structure कैसी होती है जिससे वो मतलब fly कर पाता है, तो उसकी जो body structure होती है उसको आपको describe करना है. Why do different birds have different kind of beak? Different kinds of bird है, different kinds of beak उसमें होती है, वो आपको क्यों होता है आपको explain करना है. Next we have is what are the function of the claws of a bird. ठीक है. जो बर्ड के क्लॉज होते हैं उनके functions आपको बताने हैं. What is wedding? ठीक है. Wedding की जो process है वो क्या है, ठीक है. Sorry, wedding क्या है, it means इन birds के जो claws होते हैं उनमें skin से wad बन जाता है, ठीक है, वो बताना आपको. Now what is the difference between body features and down features? फियर्स, बॉडी फियर्स एंड डाउन फियर्स के बारे में आपको डिफरेंस बताना है. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड अभी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. ओके. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.